आज की इस वीडियो में बात करेंगे ज्योमेट्री में ज्यामिति। जैसा कि मैंने कहा था कि जो मेरी नंबर 6 से वीडियो आएगी वो क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो मेरी क्या है यानी 6A लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये मेरी वीडियो क्या 2 से 3 पार्ट में बनेगी। क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में बनाऊंगा तो हो सके तो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करूं इसे 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए इस लेवल पे यानी आपकी लेवल पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है और भी इसमें क्वेश्चन है, देखिए देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है और भी इसमें क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या जाने, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से इस लेवल के हिसाब से हम लोग क्या जाने, कुछ कॉन्सेप्ट जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसके बारे में कॉन्सेप्ट जाना जाए, मैंने जितना भी आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन दिखाए थे ये सारा कॉन्सेप्ट बताने के बाद वो आपका सारा लग जाएगा। तो चलिए देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले कह रहे हैं कि ये पॉइंट क्या है। अगर पॉइंट क्या है मैं अगर ऐसे कोई इंडिकेट कर दूं तो हम लोग इसी को ही तो बिंदु बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट है। दूसरी देखी जाए क्या खासियत है। अब ये लाइन क्या होती है, मीन्स रेखा क्या होती है। तो रेखा क्या होती है, जब दो पॉइंट हो, अगर दो पॉइंट ले ली जाए और इनको आपस में जब मिला दिया जाए तो ये हमारी क्या हो जाएगी लाइन, मीन्स रेखा हो जाएगी। अब रेखा में भी दो होती है, एक समांतर रेखा होती है और एक तिर्यक। देखिए इसके बारे में क्या होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ये होती है कि जैसे एक रेखा हो गई, ये तो रेखा हो गई, अगर इसी के समांतर में एक रेखा और खींच दूं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये समांतर रेखाएं। तो वही चीज हमारी यहाँ पे ये समांतर रेखाएं हैं। अभी कहती है तिर्यक रेखाएं। तो तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर ऐसे खींच दूं इसको तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो आपने इसमें ये जाना कि समांतर रेखाएं क्या होती है, तिर्यक रेखाएं क्या होती है, पॉइंट क्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में आए। देखिए कैसे क्वेश्चन आए, कह रहे क्या क्वेश्चन नंबर 1, कह रहे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट जाती है, सॉरी घटती है या घट या बढ़ जाती है, हमसे यही जानना चाह रहे हैं। देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, अगर मैं इसको आगे तक भी बढ़ा दू, ऐसे आगे तक भी ऐसे बढ़ा दू तो जो इनके बीच की दूरी है ये क्या हमारी रहेगी, बराबर रहेगी ना। तो मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही। और ये क्वेश्चन आपका पूछा है 2013 में पूछा है। चलिए अब इस नेक्स्ट कौन सा देखा जाए। चलिए देखिए अब एंगल आ गया, मीन्स कोण, यानी कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जाने कि दो रेखाओं के मुड़नों के हम क्या कहते हैं, जब दो रेखाएं मुड़ेंगी कहीं, अगर ये एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये, जब ये मुड़ेंगे ऐसे तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा यही तो हमारा कोण हो जाएगा, ये हमारा कोण हो जाएगा। हम लोग इसे क्या करते हैं, जो यानी इसको थीटा यानी मान हमारा क्या, यही हमारा थीटा मान है। अगर जो ये डिग्री होती है, डिग्री हमको किसे यानी पहले कोण की माप किसमें मापते हैं, डिग्री मापते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि कोण की माप किसमें मापते हैं, हम लोग डिग्री में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। हम सबसे पहले ये जाना जाए कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कोण कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग सबसे पहले यानी कई कई प्रकार के होते हैं, हम लोग एक एक करके क्या करेंगे पढ़ेंगे। ये न्यून कोण क्या होता है, मिस न्यून कोण क्या होता है, जिसका मान क्या हो यानी जीरो से बड़ा हो, जिसका मान जीरो से बड़ा हो और 90 से क्या हो छोटा हो तो हम क्या बोलते हैं उसे न्यून कोण बोलते हैं। ये आपका फिगर बना है, अगर ये ऐसे पैरेलल होता है तो मीन्स हमारा 90 अंश का होता है, लेकिन ये क्या है झुका है यानी इधर हमारा क्या है 90 अंश से कम है, तो हम इसे क्या बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, समकोण क्या है, समकोण किसे कहते हैं, समकोण क्या होता है यानी समकोण क्या होता है यानी क्या जिनके यानी थीटा का मान जहां पे क्या हो 90 अंश का कोण बने वो हमारा क्या हो जाएगा समकोण होता है। ये अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है कि जिसका मान थीटा का मान क्या हो यानी जो कोण बने वो 90 अंश से क्या हो अधिक हो और 180 अंश से कम हो, तो हम ऐसे कोण को क्या बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। देखिए अगला क्या है, वृहत कोण, यानी वृहत कोण क्या होता है, यहाँ इसे क्या नाम देते हैं प्रतिवर्ती कोण, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए ये क्या होता है, अगर कोण का मान क्या हो 180 अंश से क्या हो अधिक हो और 360 अंश से क्या हो कम हो, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं या बृहद कोण बोलते हैं या फिर क्या नाम देते हैं वाह कोण। ये आपका डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, ये शून्य क्या होता है, जहां पे थीटा इक्वल टू क्या हमारा हो जीरो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे शून्य बोलेंगे। अब ये वृत्त कोण क्या होता है, यानी वृत्त, वृत्त का मतलब क्या होता है, थीटा इक्वल टू मान कितना हो जाएगा 360, वैसे भी पता होगा कि एक सर्कल का मान कितना होता है आपको 360 अंश का होता है कोण बनता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, चलिए देखा जाए कोटि पूरक क्या होता है, यानी दो ऐसे कोण जिनका योगफल कितना हो 90 अंश हो कोटि पूरक कहलाता है। मीन्स कोई भी दो कोण ले सकते हैं हम लोग, अगर मैं मान लो दो कोण क्या नहीं, कोटि पूरक का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये एक्स है और ये वाई है,
ये दो एंगल रहेंगे, इनका योग कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। अगर जैसे मैं मान लो अगर दो कोण रहेंगे जिनका योगफल कितना है 90 अंश है, अभी ऐसे एक पॉइंट और है कि अगर एक्स का कोटि पूरक बोला जाए तो हमको वाई मिल जाएगा, अगर वाई का कोटि पूरक बोला जाए तो हमको कितना मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। ये दूसरे एक दूसरे के क्या होते हैं, कोटि पूरक होते हैं। तो कि हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पे एक्स का मान क्या रख दू, 20 रख दू, 20 रख दू, तो हमको यहाँ से यानी यानी इसका कोटि पूरक कोण कितना, यानी 20 का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे इसमें 70 जोड़ेंगे, दोनों जोड़ी जोड़ी देखिए कितना 90 मिल जा रहा कि नहीं मिल जा रहा। अगर एक्स का मान कितना हो जाए 50 हो जाए तो इसका कोटि पूरक कितना हो जाए, 50 का 40 हो जाएगा। अगर एक्स का मान कितना हो जाए 45 हो जाए तो इसका कोटि पूरक कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। मतलब मिला जुला के हमको क्या करना चाहिए, यानी दोनों कोणों का मान कितना चाहिए, 90 चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब देखिए ये संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण ऐसे कोण जिनका योगफल कितना हो 180 अंश हो जाए, संपूरक कहलाते हैं। मैं मान लो कर दो कोण रहे होंगे एक्स प्लस वाई, इनका योग कितना हो गया, अगर यहाँ एक्स का मान कुछ दिया मैं दे दू कितना है, मैं मान लो 10 है, तो ये वाई का यानी ये इसका संपूरक कितना हो जाएगा, 10 का संपूरक कितना हो जाएगा, हम क्या कर देंगे इसको यानी 180 अंश बनाने के लिए कितना जोड़ना चाहिए, 170। अगर मैं इसका मान दे दू कितना 30 दे दू, तो इसको करने के लिए संपूरक करने के लिए कितना करना पाइए, 150। अगर इसका मान मैं कितना 45 कर दूं, तो इसका मान कितना करना पड़ेगा, 135, यानी इसका संपूरक कितना हो जाएगा, 135। अगर इसका 90 है तो इसका संपूरक करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, 90 90 करना पड़ेगा। तो सारे जोड़ी देखिए कितना 180 अंश, 180 अंश को क्या चाहिए, सभी में चाहिए। तो चलिए इसे दो तीन क्वेश्चन देख ले जो आपके एग्जाम में आए हैं। कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दो कोटि पूरक कोण का अंतर कितना है, 40 है, तो दोनों कोण होंगे। देखिए ये कोटि पूरक का है ना, तो कोटि पूरक का मान कितना होता है, यानी कोटि पूरक का मतलब क्या, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो आपको दो तरीके, ये दो तीन तरीके से ये लगा सकते हैं। सबसे पहले ये तरीका है कि ऑप्शन चेक करिए कि इन दो कोणों का योग यानी अंतर दिया है, इनका दोनों कोणों का अंतर दिया है, लेकिन उनका योग किया जाए तो हमको कितना मिलना चाहिए, 90 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे ये हमारा कोटि पूरक कोण है। तो देखिए इनको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा क्या, हम देख रहे हैं इसको इसको जोड़ेंगे ये हमारा 100 मिलेगा, ये होगा नहीं। इसको इसको जोड़े ये भी नहीं होगा, इसको इसको जोड़े ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले 90 से बहुत ज्यादा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। यहां से आप चेक करें इनके इनके बीच का डिफरेंट कितने का, ये 40 का आपको डिफरेंट मिल जाएगा। दो तीन तरीके और है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक तरीका ये देखिए, ये क्यों नहीं हो रहा, अगर मैं इसको यहां से मान, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसका मान कितना 20 रख दू और इसका मान कितना रख दू, ये 70 रख दू। अब देखिए यहां से भी तो दोनों का मान कितना आ गया, अब इसको मैं समझाने के लिए बस मैं लिया, इसको इसको जोड़े फिर भी 90 मिले कि नहीं मिले, क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40 चाहिए, यहाँ के दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये 50 दे दिया, इसलिए ये हमारा नहीं होगा इस कंडीशन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे क्या कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो, कोण ज्ञात करिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर, तो कोटि पूरक का मतलब क्या है, कोटि पूरक का मतलब क्या, बराबर हो, मीन्स एक्स प्लस वाई और ये कितना हो जाएगा, ये 90। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, इतना। बराबर होने के लिए आप ऐसे करिएगा, अगर इसका मान कितना है 45 है, तो इसका मान भी क्या है, कोटि पूरक कितना हो जाएगा, ये 45, जोड़ेंगे दोनों 90 मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, जब भी ये बराबर की कंडीशन दे तो आप 90 में क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो वो पता चल जाएगा हमको कितना जाएगा, ये 45 डिग्री। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा है, कह रहे कोण ज्ञात करिए, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर। संपूरक कोण के हम लोग क्या जानते हैं, खासियत कितने होता है, ये 180 अंश का होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए संपूरक कोण कितना होता है, 180 अंश। ये क्या करे, अगर बराबर हो, संपूरक कोण कितना बराबर हो, तो मैं क्या करूं, 180 को दो भागों में कर दूं, तो इसको कर लीजिए कितना जाएगा, ये संपूरक का मतलब 90 अंश, यानी प्रत्येक कितना कितना हो, 90 अंश का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहीं तक लिया था, अब हम लोग चलते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए इस लेवल पे, हम लोग उन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप शायद आप कर सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर रहती है, मैंने पीछे भी कराया। नेक्स्ट देखा जाए। अब देखिए यहां से कह रहे हैं कि 270 अंश का माप का कोण उदाहरण है, किसका है, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण या प्रतिवर्ती कोण का। तो आप किस पे टिक लगाएंगे, हमारा प्रतिवर्ती कोण का, मैंने पीछे बताया था, आप पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जिसका मान क्या हो, 180 अंश से अधिक हो, थीटा का मान क्या 180 अंश से अधिक हो, और किससे छोटा हो, 360 अंश से छोटा हो, ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं या वृहत कोण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अधिक तथा न्यून कोण के प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, आवृत्ति, वर्ग माप, परिसर, माध्य। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही, परिसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है तो दोनों कोण होंगे। मैंने पीछे बताया था, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कोण ज्ञात करिए, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर। तो मैंने पीछे बताया था, आप इसमें क्या कोटि पूरक है तो 90 हो जाएगा, 90 में 2 से भाग दे तो कितना आ जाएगा, 45, 45 आ जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उस कोण का माप ज्ञात करिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर। संपूरक कोण कितना होता है, 180 अंश। तो 180 अंश में 2 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, मैंने पीछे बताया था। इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसमें भाग देखिए चेक कर लिया तो 90 90 आ जाएगा, पीछे मैंने बताया था इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अब ये क्वेश्चन आपको बताने लायक है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 138 डिग्री ये संपूरक कोण का कोटि पूरक है। तो पहले हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 138 के संपूरक का। तो सबसे पहले इसका संपूरक निकालने के लिए क्या कर देंगे, संपूरक मतलब कितना हो जाएगा, 180। तो इसको 180 में से घटाया जाए तो 180 यानी 138। जब आप इसको यहां से घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा कितना, 42 मिल जाएगा। आप क्या करना है, कोटि पूरक है, मिस क्या करना है, इसको कोटि पूरक मिस क्या किस में से घटाना है, ये 90 में से क्या करना है, इसको घटाना है। तो 90 में से आप घटाएंगे तो आपको कितना जाएगा, यहां से जब घटाएंगे तो 48 मिल जाएगा आपका, कौन सा यानी 48। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका क्या है सही। आपको करना क्या है, इसमें 138 दिया तो पहले संपूरक से घटाया जाएगा, तो उसका क्या फिर क्या करें, फिर कोटि पूरक पूछ रहे हैं तो उसको फिर किसमें से घटाया जाएगा, 90 में से घटाया जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो समकोण और दो तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको दो तरीके बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल जान जाए फिर हम लोग इसको शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट करने का मतलब वही एक लाइन हम लोग की बचत हो जाएगी। देखिए हम लोग क्या करें, दो समकोण मतलब कितना है, 90 और 90, दो समकोण हो गए ना। अब क्या कह रहे हैं, और दो तिहाई यानी दो तिहाई समकोण, यानी क्या कह सकते हैं, दो तिहाई समकोण, यही ना। तो इसको काटेंगे कितना, 3 3 9 हो जाएगा, यहां से गुणा करें 3 2 6 7, इसको जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, 180 में इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा, तो 240 आ जाएगा। यानी ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। मेरे कहने का मतलब ये, अगर दो समकोण है तो आप इसमें कितने से गुणा कर लीजिए, 90 है ना, 90 में 200 गुणा कर लिए और इसका क्या करिए आप, लेकिन आप जो चाहे वो लगा लीजिएगा, 2/3 हो गया और 90। यहां से करेंगे कितना, 3 2 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9, यहां से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 90 9 2 18 हो जाएगा। फिर इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 60। तो फिर बात वही पड़ी हमारी, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 240। आपको जो अच्छा लगे वो कर लिए, चूंकि बात वही पड़ी फिर घुमा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि चार और दो तिहाई समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो ऊपर वाले कौन सा ऑप्शन होगा, मैंने बताया नहीं, इसका डी ऑप्शन क्या आपका सही होगा। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं चार समकोण ले रहे हैं, यानी कितने समकोण ले रहे हैं, चार समकोण ले, तो कह सकते हैं 4 × 90 कर सकते हैं हम लोग, और कितना, 2/3 समकोण, यानी 2/3 समकोण, यही ना। तो इसको काटें कितनी, 30 बार में कट जाएगा, यहां से गुणा करें कितना, 60 आ जाएगा, यहां से करें 4 9 36 आ जाएगा, और ये +60। जब आप इनको इनको जोड़ेंगे कितना, 0 6 6 12 हो जाएगा, और ये 420। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर बताया, सेम क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है, एक तिहाई है, इसमें क्या है, एक तिहाई है, उसमें 2/3 था। तो आप इसका क्या करें, 1/3 निकालिए, आप इसे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है।